IPL 2023 सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेस लखनऊ सुपर जायंट्स टुडे हाइलाइट्स मैच। दोस्तों आपको बता दें, टॉस जीतकर सनराइजर्स हैदराबाद ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, लेकिन कुणाल पांड्या और अमित मिश्रा की स्पिन गेंदबाजी के आगे उसके बल्लेबाज लड़खड़ा गए। फिर हैदराबाद ने संभल कर शुरुआत करते हुए 21 रन बनाए। इस स्कोर पर तीसरे ओवर की पांचवी गेंद पर हैदराबाद को पहला झटका लगा। दोस्तों लखनऊ की ओर से कुणाल पांड्या ने मयंक अग्रवाल को आउट किया। मयंक का आसान कैच कवर में स्टम्पियन ने लपका। मयंक ने 8 रन ही बना पाए टोटल। इसके बाद कुणाल ने मैच के 8वें ओवर में हैदराबाद के 2 लगातार विकेट लिए। इस ओवर में हैदराबाद ने 50 रन पूरे किए, लेकिन इसी स्कोर पर कुणाल ने पिच पर जम चुके अनमोल प्रीत सिंह को LBW आउट किया। अनमोल प्रीत सिंह ने मात्र 26 गेंद पर 31 रन का योगदान दिया। अगली ही गेंद पर कुणाल पांड्या ने हैदराबाद के कप्तान एडम मार्करम का ऑफ स्टंप उड़ा दिया। 5 रन बाद ही रवि बिश्नोई ने हैरी ब्रूक को अपनी गुगली से छका दिया और विकेट के पीछे खड़े निकोलस पूरन ने किल्लियां बिखरने में कोई गलती नहीं की। हालांकि इसके बाद राहुल त्रिपाठी और वाशिंगटन सुंदर ने 5वें विकेट के लिए 40 रन की साझेदारी निभाई। राहुल त्रिपाठी ने 41 गेंदों पर 34 रन बनाए, उनका विकेट यश ठाकुर ने ले लिया। 19वें ओवर में अमित मिश्रा की गुगली पर वाशिंगटन सुंदर भी चकमा खा गए। इसी ओवर में अमित मिश्रा ने आदिल रसील को भी पवेलियन लौटा दिया। वाशिंगटन सुंदर ने मात्र 28 गेंदों में 16 रन बनाए, वहीं आदिल रसील केवल 4 रन ही बना सके। आखिरी ओवर जयदेव उनादकट ने किया। इस ओवर की पहली गेंद पर ही उमरान मलिक शून्य पर आउट हो गए, लेकिन अब्दुल समद ने दूसरी और 5वीं गेंद पर छक्का जड़ गया। इस प्रकार सनराइजर्स हैदराबाद ने 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 121 रन बनाए और लखनऊ सुपर जायंट्स को 122 रनों का लक्ष्य दिया। 122 रनों का पीछे करने उतरी लखनऊ सुपर जायंट्स को 35 के स्कोर पर काइल मेयर्स के रूप में पहला झटका लगा। मेयर्स 14 गेंद में 13 रन बनाकर पवेलियन लौटे। दीपक हुड्डा कुछ देर बाद ही 7 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद राहुल और कुणाल ने तीसरे विकेट के लिए अर्धशतक की साझेदारी की। कुणाल 34 रन बनाकर पवेलियन लौटे। इसके बाद आदिल रशीद ने एक ही ओवर में 2 विकेट लेकर लखनऊ के 5 विकेट गिरा दिए। कप्तान KL राहुल ने 31 गेंद में 35 रन बनाए। मार्कस स्टाइनिस 9 और निकोलस पूरन 11 रन बनाकर टीम को जीत दिलाई। तो दोनों टीमों में आपका कौन सा बेहतर टीम है कमेंट करके जरूर बताइएगा।